नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव बहावदीन में, जहाँ पे आपको बता दूँ कि टोल प्लाजा के पास बिल्कुल मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे आपको पता कि कालांवाली से जो विधायक हैं शिषपाल केरवाला, कांग्रेस पार्टी से समर्थित हैं और वो आज एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किसान नेता करण चाडीवाल ने 3 अध्यादेशों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, उनका काफ़ी विरोध देखने को मिला था, किसानों ने काफ़ी विरोध किया था। लेकिन उसके बाद अब ट्रैक्टर रैली का आयोजन जो है वो उन 3 अध्यादेशों के विरोध में किया जा रहा है। इन 3 अध्यादेशों के विरोध में शिषपाल केरवाला आज कालांवाली विधानसभा में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक विधानसभा में, यानी पूरे हरियाणा की बात करूं तो पूरे हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा में विरोध स्वरूप ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक खास बात यहाँ पर हमें जानने को ये मिली है कि ये ट्रैक्टर किसी प्रकार से किराए पर लाए हुए नहीं है, बल्कि किसान जो हैं वो स्वयं अपने खर्चे पर यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के आए हैं और इस रैली के माध्यम से एक विरोध जता रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करूँ तो जो हाल ही में हाथरस में जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जा रहे थे, उनके साथ जो हाथापाई हुई थी, उस घटना की निंदा स्वरूप भी ये रोष मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये अभी आधा काफिला है, आधे ट्रैक्टर जो है वो बरनाला रोड से और किसान जो है इनके साथ मिलने वाले हैं, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। उससे पहले शिषपाल केरवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। शिषपाल जी, लगातार किसानों का विरोध 3 अध्यादेशों के खिलाफ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का प्रदर्शन ये किस मुद्दे को लेकर? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है ये रोष मार्च है, किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। और कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि इस काले कानून को, जो कि किसानों के किसी भी हिस्से में हित में नहीं है, तो उसकी हमने खिलाफत करनी है। और इस कानून को बेशक उन्होंने संसद में पारित कर दिया, परंतु जनता जब मन बना लेती है, जब किसान अपना मन बना लेता है, जब वो धरती का सीना चीर कर पेट भर सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। तो किसानों ने मन बना लिया है कि हम इस कानून को कतई नहीं मानेंगे, कि जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाएगा, जब तक इस बिल में और संशोधन नहीं किए जाएंगे जो किसान चाह रहे हैं, तब तक इस बिल का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक मोदी सत्ता से बाहर ना निकाल दिया जाए और इन बिलों को लागू ना कर दिया जाए, नहीं तो मोदी सरकार को ये करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का मन ये है। दूसरा, ये किसानों के साथ साथ अभी सरकार है, सरकार के हाथ से सत्ता बेलगाम हो चुकी है। अब किस प्रकार से एक बच्ची का रेप होता है, किस प्रकार से उसकी जीभ काट ली जाती है, अंगों को काट लिया जाता है, और सरकार FIR दर्ज तक नहीं करती, मानती ही नहीं, कहती है फेक न्यूज़ है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कोई भी विपक्ष है इस बात को उठाता है तो उनको कुचलने का काम किया जाता है, चाहे कल राहुल गांधी जी की बात हो। तो इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, राजनीति नहीं करती, विरोध करती है, हर उस फैसले का विरोध करती है जिसमें देश की जनता का हित हो। चलिए डॉक्टर साहब, कल जैसे राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके साथ जिस तरह की घटना हुई हाथरस में, उनको नहीं जाने दिया, कहा जाता है कि राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? दो तीन बातों को जोड़ के अगर हम देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार जो है वो तानाशाही करती है, बेलगामी करती है, और उसी के अवज में ये रोष प्रदर्शन है। हमारे MLA शिषपाल जी केरवाड़ा के नेतृत्व में किसान के लिए रोष प्रदर्शन है, साथ ही साथ जो शर्मनाक घटना हुई है और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और राहुल गांधी जी उसको लेकर जब जा रहे थे, ठीक है धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अकेला चला जाऊँगा, प्रियंका जी साथ में रहेंगे, तो उनको जाना दी। मतलब ये अभिमान, ये जो गर्व किसी भी सरकार का, उसको तोड़ना जनता का।
शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो तमाम विधानसभाओं में आज कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको हर एक विधानसभा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। और अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसमें शिषपाल केरवाला के नेतृत्व में निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली जो है वो किस प्रकार से कितने किसान लगातार शिषपाल केरवाला के नेतृत्व वाले इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, शिषपाल केरवाला के नेतृत्व में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में किस प्रकार से किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर उमड़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर आज शिषपाल केरवाला के समर्थन में यहां तीन अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से एक ट्रैक्टर पर दो से तीन किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं और भारी संख्या में किसान जो है इस ट्रैक्टर रैली का समर्थन करने के लिए, अध्यादेशों का विरोध के लिए एक साथ यहां पे इकट्ठा हुए हैं। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो ट्रैक्टर रैली का समर्थन करने के लिए जो किसान आए हुए हैं, देखा आपने कि कितनी भारी संख्या में किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो ये जो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान इन तीन कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे थे वो लगभग सफल होता दिखाई दे रहा है। तो कुछ गलत ना होगा, ट्रैक्टर रैली बिल्कुल कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। सैकड़ों की संख्या में शिषपाल केरवाला के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर जो है लेकर के किसान आए और अपना विरोध दर्ज करवाया। अब आने वाले समय में क्या सरकार इन अध्यादेशों में कोई संशोधन करेगी, इस बिल में कोई संशोधन करेगी, या फिर किसानों पे इसी प्रकार से जबरदस्ती ये बिल जो है वो थोपे जाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।